सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं अभी सोकर उठा हूँ और पूरी रात जागकर एडिटिंग कर रहा था। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा रूम थोड़ा बदड़ा बदड़ा क्यों लग रहा है। मैं बताता हूँ, वो क्या है ना, दिवाली आने वाली है तो मैंने अपना रूम थोड़ा डेकोरेट कर दिया है। ये देखो, अच्छे से सजा दिया है। रुको, पर एक मिनट ना, मैं आपको अंधेरा करके दिखाता हूँ, तभी आपको इस रूम की असली खूबसूरती दिखेगी। ये देखिए गाइस, कितना तगड़ा लग रहा है। ये सारी चीजें मैंने विदेश से मंगवाई है, इम्पोर्टेड। पर मेरा रूम हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब चीज भाड़े की है। जैसे ही दिवाली खत्म होगी, मैं सारी चीजें वापस ले लूंगा। बाकी गाइस, मेरे को दिवाली के लिए पटाखे लेने भी जाना है, तो हम इस बार बहुत ही ज्यादा शॉपिंग करेंगे पटाखों की। बाकी मम्मी ने मस्त लहसुन के परोठे बना दिए होंगे और भूख भी लगी है, तो सड़ो सड़ते हैं। अरे क्रिमिनल, क्या बात है, आज तो सवेरे सवेरे जल्दी उठ गया बेटा। हाँ क्रिमिनल, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे आदम सासा ताऊ जी, अभी यार त्योहार चल रहे है तो जल्दी उठना सही है यार, कॉमन सेंस नहीं है। हाँ बाबू मोसाई, बात तो सही कही तूने, जल्दी उठना चाहिए। बेटा ये देख, डाकू भैया ने मुझे नया हार गिफ्ट किया है, डायमंड्स का। हाँ मेरा भाई बड़े दिल वाला है ओपी। अरे मम्मी, कितनी बार बोला है उनसे गिफ्ट मत लिया करो यार, वो चोरी की होती है सब। वाह बाबू मोसाई, जैसे कि तू तो चोरी करता ही नहीं है। ए, अपना काम कर टॉयलेट मैन कही के। वैसे ताऊ जी, ये छोटू और मेरे पापा कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे छोटू को पटाखे लेने थे तो तेरे पापा उसे ले गए। पटाखों से याद आया, आदम सासा दिवाली है तो कुछ 2.5 करोड़ रुपए दे दो यार, पटाखे लेने हैं। देख क्रिमिनल, अब इतने पैसे तो मैं तुझे देने नहीं वाला, और वैसे भी तू अब बच्चा नहीं रहा। ठीक है कोई ना, तो 50-60 लाख रुपए दे दो, सड़ जाएगा। नहीं नहीं, थोड़ा और कम कर। ठीक है तो 30-40 लाख रुपए तो दे दो। क्रिमिनल ये भी ज्यादा है, इतने में तो पूरे शहर के पटाखे आ जाएंगे, थोड़ा और कम कर। ठीक है तो चलो 10 लाख रुपए दे दो, ये फाइनल ऑफर है। नहीं क्रिमिनल, 10 लाख भी बहुत बड़ी रकम है। सासा एक काम करो, सीधी बात बताओ कि आप देने कितने वाले हो। क्रिमिनल 1500 रुपए दूंगा। सासा भाड़ में जाओ, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, रखो आप। बेटा मेरे लिए बिमल बम ले आना। एक तो 1500 रुपए मुझे मिल रहे हैं, उसमें से भी इस बुट्टी को बिमल बम चाहिए, खुद ले आना। ए बेटा जबान संभाल के, तेरी दादी है वो। चलो कोई ना, 1500 भी सड़ेंगे, आदम चाचा दे दो। बाबू मोसा, आदम चाचा हमें रात को पार्टी में जाना है। हाँ इप्पू, हम दोनों जाएंगे, वो कैसे भूल सकता हूँ। गाइस, तो मैं खाना वाना खा के आ चुका हूँ, और मैंने ना आदम सासा से पटाखों के लिए पैसे मांगे यार, तो उन्होंने ना सिर्फ 1500 रुपए दिए यार। बोलो इतना भी कोई कंजूस हो सकता है? पर कोई ना, त्योहार चल रहे है तो मैं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता, 1500 बहुत है मेरे लिए। बाकी पटाखों के पैसे मिल चुके है और उसमें से बसे तो ग्रैनी का बिमल बम ले लेंगे, तो सड़ो सड़ते हैं। देखो भैया, इलेक्शन नजदीक है और इस बार मिनिस्टर साहब के सपोर्ट में पिगू भाई है, और पिगू भाई हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, तो इस बार कहनो गुंडागर्दी ना ही करनी है। इलेक्शन आने तक शांति रखनी है और उसके बाद जो करना है वो करेंगे। अबे भैया जी, वो पीछे कौन आ गया? अरे ये तो पिगू भाई के आदमी है, पंटरो इन्हें देख लेना। ओए मेरे आदमियों, फायर वे। ओए कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए ओए। अरे पिगू भाई, हमने कुछ नहीं किया, आपने हम पे हमला काहे किया? ओए मेरे को साफ साफ बता दे, मेरी बाबू कहाँ है, तूने ही किडनैप की है ओए। अरे पिगू भाई, हमने नहीं किया, हम आपकी बाबू को किडनैप काहे करेंगे? ओए तेरे पास 10 सेकंड का टाइम है, सच सच बता दे ओए। पिगू भाई हमका छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं किया। पिगू भाई हम अपनी बाबू की कसम खाते हैं। पिगू भाई, ओए रुक जाओ बॉयज, ये अपनी बाबू की कसम खा रहा है, मतलब सच बोल रहा है ओए, क्योंकि बाबू बाबू होती है, तो फिर ये हरकत किसने की होगी ओए। अच्छा हुआ आज मैं बड़ा ट्रक लेके निकला, इसमें बहुत सारे पटाखे आ जाएंगे। पर यार मैं पटाखे लेने कहाँ जाऊँ? हाँ एक काम करता हूँ, आलोक ने पटाखे की दुकान लगाई है, उसके वहाँ से ले आता हूँ। अरे छोटे, क्या लेने आया, बता कौन से पटाखे चाहिए तुझे? अरे अपुन को तो बहुत ज्यादा पटाखे चाहिए भैया, पूरा ट्रक भर के। और वो देखिए, ये तो रेड क्रिमिनल है,
क्या रो कैसा है? मैंने सुना तूने पटाखे की दुकान लगाई है, इसलिए यहाँ तेरा फायदा करवाने सड़ा आ गया। अरे तू क्या फायदा करवाएगा रे नूबड़े, तेरे से तो मैं ज्यादा पटाखे लूंगा पूरा ट्रक भर के। अबे सपड़ी कही के सुप रे, तेरे से तो मैं ज्यादा ही पटाखे लूंगा। हाँ तो क्रिमिनल बता, कौन से पटाखे दूँ तुझे हैं और कितने के चाहिए? अरे मेरे को 3-4 हजार बम दे दे और 5-7 हजार रॉकेट दे दे, 1500 रुपए के भर दे। अरे बोट कही के 1500 रुपए के पटाखे लेने आया, तेरे को शर्म नहीं आती? अरे रेड क्रिमिनल भाई, इतने में तो सिर्फ ये रॉकेट आएगा वो और कुछ नहीं आएगा। अरे ऐसा क्यों कर रहा है यार, वैसे भी तू हमारा पड़ोसी है, डिस्काउंट करके दे दे या तो पैसे आदम शासा से ले लेना। अरे बिल्कुल नहीं हो नुबड़े, पिछली बार भी तूने ऐसा ही कहा था, फिर जब मैं पैसे मांगने गया तो आदम चाचा ने मुझे मार के भगा दिया हो। कोई ना आरोप, मैं ये याद रखूंगा तूने मेरे को चंद पटाखों के लिए मना कर दिया। आ जा निकल यहाँ से। साला एक पटाखे के दम पे इतना उछल रहा है, अभी तेरे सारे पटाखे जला देता हूँ। अरे भैया ये मेरे को जलने की बू कहाँ से आ रही है? अरे वो क्रिमिनल की जल गई होगी वो इसलिए। सारा मेरे को तो कोई पटाखे ही नहीं दे रहा है, एक काम करता हूँ पिगू के पास से बड़े पटाखे ले लेता हूँ। हेलो पिगू, मेरे भाई पटाखे है बड़े वाले। ओए रेड क्रिमिनल, इम्पोर्टेड पटाखे है ओए। ठीक है सर, मैं तेरे अड्डे पे आ रहा हूँ लेने, तैयार रखना। आदम सासा ने यार मेरे साथ गलत किया, खुद तो हिप्पू के साथ पार्टी करने चले गए, मुझे नहीं ले गए और ऊपर से पैसे भी नहीं दिए पटाखे के लिए। ये देखो ये गांव वाले कैसे दिल खोल के पटाखे फोड़ रहे हैं यार, मेरा भी मन करता है 2-4 करोड़ के पटाखे फोड़ूं, पर कोई ना, जैसे ही हिप्पू आएगा फिर हम कुछ करेंगे। अरे भाई लोग, रेड क्रिमिनल घर पे अकेला है वो, चलो अपना बदला लेते हैं, और उसके पास तो आज कोई पटाखे भी नहीं है वो। अरे ये आलोक यहाँ क्यों आया है? आलोक यहाँ क्यों आया है? अरे कुछ नहीं मेरे भाई, वो तेरे पास पटाखे नहीं थे ना तो हम तुझे देने आए हो। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ला दे दे मेरे को पटाखे। हाँ तुझे चाहिए ना तो अभी दे देते है वो, ये ले। अरे आलोक ये तू क्या कर रहा है बे? नहीं नहीं मैं तो तुझे पटाखे दे रहा हूँ। ये ले और ले। अरे क्रिमिनल तो डरपोक है, पटाखों से डर की भाग गया। सारे हराम सारे आलोक, तूने सकुड़े के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, इसका बदला मैं लूंगा। अरे ये इतना शोर कौन मचा रहा है हमारे घर के बाहर? अरे ये तो आदम आ गया भाई लोग, भागो जल्दी भागो वरना कहीं और पटाखा फोड़ देगा वो। बाबू मोसाई लगता है कोई बोचा थे, भाग गया। हाँ इप्पू चल हम भी अब सोने चलते हैं, थक गए हैं यार बहुत। लगता है सारा सड़ा गया, आवाज तो नहीं आ रही। अबे नुबड़े अपने ही घर में क्यों छुप रहा है? अरे मेरे भाई इप्पू तो आ गया, वो आलोक मेरे ऊपर पटाखे फेंक रहा था यार। अच्छा तो वो आलोक था, हमें देखकर भाग गया। सर अब तू आ ही गया है तो हम भी उसके ऊपर पटाखे फेंकेंगे, पर क्रिमिनल हमारे पास तो पटाखे ही नहीं है। तू चिंता मत कर इप्पू, पटाखों का इंतजाम मैंने कर लिया है। अरे मजा ही आ गया आज तो, क्रिमिनल को पटाखों से डरा डरा के। हाँ यारो मजा आ गया आज तो। बाबू मोसा अभी और मजा आएगा तुमको, ये लो। अरे कौन है नूबड़ी वाला जो ऐसे पटाखे हमारे घर में फेंक रहा है? अरे गलती से दूसरा पटाखा डाल दिया, क्रिमिनल ने जो दिया था वो डालता हुआ अब। ये तो ग्रेनेड है नूबड़े, क्रिमिनल ने मेरी दुकान जलाई, मैंने उसका घर जला दिया, हिसाब बराबर हुआ। अबे अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ श्रीमकांडी। अरे इतने में तुझे मजा नहीं आया और मजा चखाऊ क्या है? तू क्या मजा सकाएगा सारे येड़े, अब आरपीजी का कमाल देख। अबे मेरे पास भी गन है वो। आया बड़ा गन दिखाने वाला, पिगू के पटाखे तो बहुत ही अच्छे है, चलो अब सड़ता हूँ। गाइस ये फ्री फायर वर्ल्ड है तो ऐसा सड़ता है, पर आप लोग सेफ दिवाली मनाना, ऐसे एक दूसरे पे रॉकेट और पटाखे मत फेंकना वरना घर में आके ग्रेनेड फेंक दूंगा। मजाक कर रहा हूँ, बाकी आप सबको हैप्पी दिवाली। एंड फाइनली मेरी एडिटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं